मुझे अच्छा लगेगा, तो आप भी अपना अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ अगर आप जी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्राउन प्लाजा है, तो उसके लिए हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, स्टीम मिल्क, सोया मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, अलग अलग तरह के जो है वो डोनट्स हैं, है ना, ये भी डोनट्स डोनट। और बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, हमारा तो देखो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ट्यूसडे है और बहुत बढ़िया सुबह है, देखोगे आप एकदम सारी चीज़ें एकदम खिली खिली हैं। और अभी हम बीटा में अपने घर से निकल चुके हैं और आज जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत सिलेक्टेड जगह हैं। अगर आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, लग्जरी ब्रेकफास्ट करना है, तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता है, बट एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। तो उसी जगह पे हम जा रहे हैं, जैसे देखो अभी हमने अमृतपुरम गोल चक्कर से हमने लिया है सूरजपुर की तरफ, और जो लोग ग्रेटर नोएडा से हैं वो सभी लोग जब सूरजपुर के पास जाते हैं तो क्राउन प्लाजा दिखता है। तो आज हम जा रहे हैं क्राउन प्लाजा, जहाँ पे बढ़िया सा जो है हम लंच लेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट लेंगे, है ना, लंच भी ले सकते हैं लेकिन अभी हम ब्रेकफास्ट लेंगे। और दुर्वांग को हंसी आ गई इसी बात पे। और बहुत अच्छा बफे, अच्छा तो मैं खैर बाद में बताऊंगा कि कितना अच्छा है, लेकिन बढ़िया है, मतलब आई थिंक 1200 रुपए के करीब पर हेड है, जिसमें से बच्चों का 5 ईयर से ब्लो बच्चों का फ्री है, और 5 ईयर से ज्यादा के जो बच्चे हैं 10 साल तक उनका जो है लगभग हाफ प्राइस है, यानी कि अप्रोक्स वही 700 के अप्रोक्स होना चाहिए। तो अभी देखेंगे कितना ज्यादा जबरदस्त लगता है, क्या रिव्यू रहता है, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आप भी अपना अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ। अगर आपके पास कोई गेस्ट आए हुए हैं, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, आइए। तो देखिएगा क्या बढ़िया सुनहरी सुबह है, सामने दिख रहा है हमारा क्राउन प्लाजा, यही हमें जाना है। और हमें निकले हुए घर से मात्र अभी 2-3 मिनट हुए होंगे और हम पहुंच भी गए, बहुत बढ़िया है। अभी देखेगा जाके दिखाते हैं आप, जी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्राउन प्लाजा, गेट से नहीं जाना है, हमें जाना है इस वाले गेट से जिसका नाम मुझे नहीं पता है। तो ये पूरी सिक्योरिटी चेक होते हुए और देखिएगा सीधे आप ऊपर ही जाएंगे। नहीं बेटा मैं पहले भी आ चुका हूँ, बट ये बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बच्चे भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नहीं, तो और यहाँ पे आपको जो है पार्किंग मिल जाएगी। देखो उधर आरपी आ चुकी है, हरी जी भी आ चुके हैं, आ जाओ। ग्रेटर नोएडा की वाइब अलग ही है, इट्स नॉट लाइक ग्रेटर नोएडा, इट्स लाइक यू हैव एटेंड। तो एम्बियंस इज ऑल गुड, और मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो आके जो है वो इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड फ्रूट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे है स्वीट लाइम जूस, वाटरमेलन जूस, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स, जिसमें आपका कीवी है और आपके बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के मैंगोज़ हैं, वाटरमेलन्स हैं, मेलन्स हैं,
और ये आपका जो है मस्क मेलन है, पपाया है, बनाना है, इसके अलावा योगर्ट्स हैं अलग अलग तरह के जो है। एंड वो देखिएगा पूरा एम्बियंस इज ऑल गुड। एंड यहाँ पे फिर आपके ये सैलेड्स हैं अलग अलग तरह के जो है ना, आप इंडिविजुअल आप पॉज कर करके देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो है वो सैलेड्स हैं सारे। इधर ये आपका अगर आपको सुबह कॉर्नफ्लेक्स वगैरह चाहिए या ओट्स वगैरह अगर लेना है तो उसके लिए हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, स्टीम मिल्क, सोया मिल्क, फुल क्रीम मिल्क एंड सारे के सारे ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के कॉर्नफ्लेक्स एंड उसमें डालने के लिए अलग अलग तरह के सभी तरह के मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इधर जो है वो अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा इधर भी यही समझो कि सिर्फ अभी स्टार्टर्स हमारे चल रहे हैं, है ना। अगर आपको थोड़ी सी जो है वेजीज वगैरह अगर खानी हैं उसमें मूसलीज वगैरह हैं, कर्ड है, इसके अलावा आपका फ्रूट्स वगैरह हैं, है ना, तो ये भी आप जो है लाइम जूस, फ्रूट्स, कुकुम्बर जूस वगैरह सारी चीज़ें अगर आप हेल्थ फ्रीक हैं तो आप ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप ले सकते हैं, है ना। ये अलग अलग तरह की सैलड्स, सारी की सारी सैलड्स हैं। इसके अलावा फिर इधर जो है ये आपके लाइव डोसा हैं, वफ़े हैं, ये भी अलग अलग तरह की सॉसेज अगर आपको चॉकलेट या फिर थोड़ी सी अच्छी ऐसी सॉसेज खानी पसंद हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह की सॉस हैं, पाइन एप्पल, मुरब्बे वगैरह काइंड ऑफ चीज़ें हैं। फिर ये इधर बॉइल्ड एग, आपका सारी चीज़ें देखेगा, बीन्स वगैरह हैं, पोटैटो स्लाइस हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ग्रिल्ड टमेटोज है ना, और सौथे वेजेज हैं, है ना। इधर भी जो हैं ये पोटैटो स्लाइस, ओवन रोस्टेड पोटैटो स्लाइस, मतलब कुल मिला के बहुत मीनू बहुत है। अभी टाइम लगेगा, लंबी वीडियो होगी, ये नॉन वेजिटेरियन डिश है तो मैं इसको तो देख भी नहीं रहा हूँ। वैसे चिकन सूप है ना, पेपर सॉस, सॉस के साथ है, वेजीज एंड सोर, ये भी आपके जो है मेन को, ये तो सूप टाइप के ही रखे हुए हैं विद फ्राइड राइस। इसमें क्या है कि देखेंगे जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो कॉर्पोरेट के लोग हैं अधिकतर, तो इसलिए सारी चीज़ें ऐसी हैं। और आरती स्टार्ट अपना जो है वो कर चुकी है। ये इधर ये वाला सेक्शन जो हमारा होता है सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा होता है क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं आपको ब्रेड्स। स्टार्टिंग करूँगा यहाँ से आपके जो है देखिएगा अमूल का बटर है, इसके अलावा न्यूट्रेला वगैरह, हनी वगैरह, स्ट्रॉबेरी जैम, जैम्स वगैरह हैं यहाँ पे। आपको फिर ब्रेड मिल जाएंगे अलग अलग तरह की, ब्राउन ब्रेड भी है। हाँ यू कैन हैव दिस, यू कैन जस्ट टेक इट, है ना। एंड फिर इधर आपको अलग अलग तरह के जो है वो डोनट्स हैं, है ना, ये भी डोनट्स डोनट्स डोनट्स, ये आपके जो है ना सॉफ्ट रोल हैं, कोरोसेंट्स हैं अलग अलग, कंटेंट एग, ये एग वाले कोरोसेंट हैं, चॉकलेट कोरोसेंट हैं, प्लेन कोरोसेंट हैं। इसके अलावा जो है सिनेमन रोल है ना, और मफिन्स हैं, तो आप देखिएगा ये सारी की सारी जो है ना, पाइन एप्पल डैनिस हैं, ये मेरी फेवरेट होती है ना, चेरी डैनिस हैं, केक्स हैं, और इसके अलावा फिर आपका जो है ये वड़ा है ना, दिस इज वड़ा हो गया, ये आपका जो है उपमा हो गया, छोले हो गया, छोले के साथ आपको जो चीज़ें हैं वो पूरी वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, भटूरा भटूरा है, आलू भाजी है, पूरी है एंड इसके अलावा मूंग दाल का हलवा है। अचार सारे के सारे जो हैं अचार हैं। अचार के अलावा फिर आपको जो है ये नॉन वेज में आ जाएगा और किमारी मुझे पता नहीं है क्या होता है, और यह पढ़ लीजिएगा क्या है, ये भी है कुछ, ये मुझे पता नहीं क्या है। एंड कोरियन राइस, दिस इज कोरियन राइस, मुझे लग रहा है इसमें से पानी नहीं निकाला है, जमा हुआ है तो इसको कोरियन राइस बोल दिया है, ठीक है ना। और ये इधर पिकल्स वगैरह। इसके अलावा फिर इधर भी आपका जो है चाय की टपरी है ना, इट्स अ काइंड ऑफ चाय, वैरायटीज ऑफ टी, वैरायटीज ऑफ टी, इवन वैरायटी इन द कप्स आल्सो, कप्स आल्सो है ना, सो यू विल हैव अ फीलिंग विद द कप्स आल्सो। या सारी जितनी चीजें बताई थी इसके अलावा पूरा एक लाइव काउंटर भी है जहां पे आप लाइव अपना डोसा वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं।
अब हर बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी खानी है, क्योंकि यहाँ इतने सारे ऑप्शंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऑप्शन पसंद आ रहा है ना, तो आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी खाना है वो सब चीज़ मिल जाएगी, और कुल मिला के मुझे लगता है 1200 रुपीज़ में इससे ज़्यादा बढ़िया आपको ग्रेटर नोएडा में तो कुछ नहीं मिल सकता। सीरियसली 1200 रुपीज़? ओके, 1200 ओनली, 1200 रुपीज़, इट्स लाइक ऑफर, यू कैन हैव इट ऑल, हैव इट ऑल, एंड इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर स्टमक, एपेटाइट, एपेटाइट है ना, तो ज़्यादा नहीं। कितना ज़बरदस्त है, एंड इसके अलावा यहाँ का एम्बियंस आप देखिएगा, है ना। सबसे बड़ी बात है कि जो आपको फील जो मिलेगा ना, दैट फील इज वेरी डिफरेंट, है ना, ये देखिएगा, बेहतरीन। आप उधर भी बैठ के अपना जो है आप ब्रेकफास्ट वगैरह वो ले सकते हैं। तो लाइव मैंने आपको दिखा ही दिया था, है ना, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल एकदम ओपन किचन है, सारा का सारा बिल्कुल एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन आपकी आंखों के सामने आपको दिखेगा। इधर लाइव डोसा वगैरह सारी चीज़ें जो बन रही हैं, ऑमलेट्स वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए तो वो अलग अलग तरह के ऑमलेट्स वगैरह आपको बिल्कुल लाइव मिल जाती हैं, सारी चीज़ें जो हैं। सो कुल मिला के बिल्कुल बहुत ही अलग एकदम जो है फील है, अच्छी फील है। ये देखेंगे, इन्होंने भी स्टार्ट कर भी दिया है, डॉक्टर पूजा वगैरह ने स्टार्ट कर दिया है, एंड अभी हमें भी स्टार्ट करना है। ओह माय गॉड, डोनट, यू आर हैविंग डोनट्स, सो हाउ इज इट। तो दोस्तों अभी स्टार्ट कर चुका है, पहले मैंने लिया था जूस, उसके बाद अभी मैंने लिया है, ये मेरा फेवरेट है। इसमें सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी आप देखेंगे, और ड्राई फ्रूट्स के साथ इसके अंदर जो है मूसली है, इसके अलावा ओट्स हैं, थोड़े से मैंने कॉर्नफ्लेक्स ऐड किए हैं, और एज ए स्वीटनर इसमें मैंने ऐड किया है हनी, ठीक है, मैंने हनी इसमें ऐड किया है। बाकी ये सारे के सारे जो हैं आपका जो है स्टार्टर टाइप का कह सकते हो, स्टार्टर ही कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। इन सब ने स्टार्ट कर दिया है अभी से ही डोसा वगैरह, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया है। We'll have the sweets in the last. Okay, you will have the sweets. This is not actually sweets for me. This is my starters. Okay. And अभी टाइम हुआ है देखो, 9:09 भी बज चुके हैं, और ये सारी चीज़ें मैं लूँगा 10 बजे, तो आए हैं तो वसूल तो करके जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा स्टार्टिंग से काफ़ी लाइट पसंद करते हैं आप, हैं? ओके, तो अभी देखिएगा अपना जो है पूरा हम अपना फिनिश करके चल चुके हैं, 8:30 बजे आए थे, 10:30 बज रहे हैं, तो 2 घंटे में हम अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और अभी देखते हैं रूम्स वगैरह भी देखते हैं कि अगर आपको स्टे करना कभी मन है तो आप स्टे भी कर सकते हैं इधर। सो अभी हम जा रहे हैं रूम्स देखने के लिए कि अगर आपका मन कभी करता है इधर स्टे करने का तो आप वो प्लान कर सकते हैं। अन्नी करा पापा हमारे वॉशरूम का डिजाइन इस 14th फ्लोर, एंड काफी दिन बाद है उसकी फीलिंग, क्या नाम है तुम्हारी जो है ATS की फीलिंग आती हुई थोड़ा सा हाइट पे है पूरे इंडस्ट्रियल, ये तो सूरजपुर लुक आपको दिखेगा इधर से, नाइस एम्बियंस। This is club lounge. The club hai. Club is on the 14th floor. And okay. Nice. Take a.
सो बढ़िया स्पेशियस रूम है और इधर देखिएगा टीवी पैनल वगैरह, स्टडी टेबल वगैरह सारी चीज़ें एंड लेट्स सी द व्यू। यहाँ से आपको एक्चुअल ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल व्यू आ जाएगा। देखो इधर से थोड़ा थोड़ा वो एटीएस भी दिख रहा है, ये पूरा बिल्कुल 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 आपको दिख रहा है। उधर आपका एटीएस दिख रहा है, इधर आपका सीपी मॉल भी हमें दिख रहा है यहाँ से जो है। पब्लिक वो का है, हमारा वाला मीटर वाला का है, किस साइड है मतलब? इंडस्ट्रियल व्यू है, पूरा ग्रेटर नोएडा का व्यू इधर से आपको जो आ रहा है। और उस साइड है भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, है ना। और आपका वॉशरूम भी ऐसा ही है, नहीं हमारा ज्यादा अच्छा है, बाथटब भी वाला है, है ना, जिसमें आपका प्रॉपर जो है सारी चीजें हैं। बाथटब भी है, छोटा है बाथटब बट है, एंड सेपरेट एकदम सारा एरिया बिल्कुल सेपरेट है, पॉट वगैरह नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। अब भैया मुझे 1 लाख रुपए दिलवाएंगे प्रमोशन का, ऐसे ही है। पसंद आया? कैसा है? बढ़िया है, रहने के लिए बढ़िया है। तो दूर दूर जाते हैं तो बढ़िया है, मतलब वो वाली फीलिंग सिर्फ नहीं आएगी, ट्रेवल वाली फील नहीं आएगी, लेकिन ये है कि अगर आपको फूड वाज अमेजिंग, बट माय क्वेश्चन इज जैसे अभी हमने नया घर बनाया है तो उससे यू कैन नॉट कंपेयर टू दैट, बट यू वांट टू रिलैक्स, यू डोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट कम एंड कम टू द होटल। देखो घर तो कितना ही महंगा बना लो, घर वाली तो फीलिंग घर वाली है, ये भी बात है। अभी हम निकल चुके हैं और बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया हमारा तो देखो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। अब अगर आपको बढ़िया सा एकदम करना है ब्रेकफास्ट तो आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हमारी तरफ से बहुत नंबर वन है। डॉक्टर पूजा हाजरी है, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि यार हमारी तरफ से बहुत बढ़िया करना है, इसी बार हाजरी देना। तो ये थोड़ा सा है मेरा बात को बोलने का इस टाइम, Oh, yes. सस्पेंस में रख के बातों को करता हूँ मैं। और भिखारी जी अपना जा रहे हैं गुलावटी, भिखारी जी गुलावटी जा रहे हैं अपना जा रहे हैं। आपका स्वागत है, स्वागत है। क्या कहीं सेक्टर के अंदर इतने चौड़े रोड देखे हैं आपने? तो वही पलन उड़ जाए। मैंने डेमो को दिखा बता दिया कि गाड़ी चलती चलती ऐसे ही मुड़ जाए। मैंने देखेगा ये इसके फोल्डिंग्स हमारी आज भी लगी हुई है। और काम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी सारी चीजें इंटीरियर की वाली जो वो बन चुकी हैं, थोड़े थोड़े ऐसी ऐसी के काम बाकी हैं और यही मंदिर का काम चलते हुए, तो मंदिर पूरा पत्थर से पहले कटिंग हुई है, फिर लेयर से भी बन रही है, इसको खोते होते लगभग आज मेरे हिसाब से लगभग 15वां दिन है। पहले पत्थर लगे हैं साइड में, फिर अभी ये बाउंड्री हुई है, इसके ऊपर अभी फिर पत्थर आएंगे और काम हमारा जो है वो बढ़ता चला जाता है। कर्व पूरा बन चुका है
और भी थोड़े से चेंजेस कराए हैं, जैसे होम है, होम के ये पूरा कार्विंग वाले जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स आने हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारा काम होना है, जब ये काम हो जाएगा पूरा तो ये बहुत जबरदस्त लगेगा।